इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेट सिलिट्रेट जिसे हम नाइडेडेंस भी कहते हैं इसके मोस्टली मेंबर मराइन होते हैं यह शिशाइल और फ्री लिविंग दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये रेडियल सिमेट्री लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल और जम लेयर की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक अगर हम सिलेंड्रेट के बॉडी पे नज़र डालें तो ये दो बेसिक फॉर्म के होते हैं पहला पॉलिप सेकंड मेड्यूसा पॉलिप जो कि सिलेंड्रिकल शेप और सिसाइल फॉर्म का होता है मेड्यूसा जो कि अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग होता है पॉलिप के एग्जाम्पल हैं हाइड्रा एडेंसिया मेड्यूसा के एग्जाम्पल हैं औरलिया सिलेंट्रेट जो कि अपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए जाना जाता है जिसे हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं इसी के साथ साथ हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है इसे भी समझ लेते हैं पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा इस मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है पी से पॉलिप एम से मेड्यूसा पी एम हमारे देश के मोदी जी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं तो हो गया ना ये सेक्शुअल नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरिंग एंड डिफेंस सेलेंट्रेट में सेंट्रल कैविटी सेलेंट्रॉन होती है डायजिशन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल रिस्पायरेशन सिमिलर प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के जनरल बॉडी सर्फेस पहली बार नर्वस सिस्टम सिलंट्रेट में दिखा जो कि नॉन पोलर न्यूरोस हैं अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्शुअल और सेक्शुअल बोथ मोड्स आर फाउंड एसेक्सुअल थ्रू बर्डिंग एंड सेक्शुअल बाय प्रोड्यूसिंग ऑफ कैमेट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है थ्रू लार्वा ओबिलिया में प्लेनुला लार्वा औरलिया में इफायरा लार्वा अब बात करें क्लासीफिकेशन की सिल तीन क्लास में डिवाइड है अपने पॉलिप और मेडुसा के बेसिस पे हाइड्रोजोवा स्काइफोजोवा एंथ्रोजोवा हाइड्रोजोवा जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेज पाए जाते हैं स्काइफोजोवा जिसमें मेड्यूसा स्टेज पाया जाता है पॉलिप रिड्यूस या एबसेंट होता है एंथ्रोजोवा ओनली पॉलिप स्टेज आर फाउंड नो मेड्यूसा हाइड्रोजोवा स्काइफोजोवा और एंथ्रोजोवा के कुछ एग्जाम्पल हैं आप इसके क्लास के अकॉर्डिंग आप इसे याद कर सकते हैं